नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल में आईपीएस गंगाराम पुनिया ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए एसपी ने बताया कि करनाल पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का जल्द से जल्द व कानून के दायरे में रहते हुए निपटारा प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। करनाल में कानूनी व्यवस्था को संभालने के साथ साथ मुख्य कार्य ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना, अपराध पर रोकथाम लगाना, अवैध नशे के कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने व लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से निपटारा करना होगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से करनाल वासियों को आश्वस्त किया कि करनाल निवासी अपनी जायज समस्याओं को लेकर किसी भी समय फोन कर सकते हैं। उनके फोन कॉल पर तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यहां आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया भारतीय पुलिस सेना 2013 बैच के ईमानदार कर्मठ व एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर आईपीएस तक का सफर तय किया है। बतौर पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालते ही उन्होंने करनाल के डीएसपी व अन्य पुलिस कर्मचारियों की मीटिंग लेकर अपराध पर रोकथाम लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस का प्रथम कर्तव्य जन सेवा करना होना चाहिए। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। करनाल के नए एसपी गंगाराम पुनिया पहुंचे हैं। करनाल लोग सचिवालय में पूरा उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप करनाल के नए एसपी गंगाराम पुनिया अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे, आज आप पहुंचे हैं करनाल, कार्यभार संभाला आपने? जी देखिए, मैंने जिला करनाल के जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पर मैंने दायित्व ग्रहण किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि जिला पुलिस के पास में जितने भी मानवीय और भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और वो जनहित में हो। थानों में जो भी लोग आए उनकी प्रॉपर सुनवाई हो और उन पर वाजिब जो भी कार्रवाई बनती हो वो तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जितने भी पुलिस के हमारे आधारभूत कार्य हैं, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, उचित जाँच सुनिश्चित करना, ट्रैफिक का मूवमेंट सुचारू रूप से रखना, तो जितने भी हमारे आधारभूत कार्य हैं मैं हम ये कोशिश करेंगे कि वो सारे कार्य कुशलतापूर्वक पूरे हो और प्रभावी ढंग से पूरे हो। सर, करनाल जैसा कि आप जानते हैं सीएम सिटी भी है, ऐसे में जिम्मेवारियां काफ़ी ज़्यादा रहती हैं और एसपी के पद पर आप करनाल में ही आए हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती हैं कि हम जाएंगे हमारी सुनवाई होगी, क्या कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा मुख्य दायित्व यही है कि जनता जो भी आए हमारे पास में उनका हम तुरंत समाधान करें कानून के दायरे में रह करके। तो हमारी जिला पुलिस का ये कर्तव्य रहेगा और हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश भी करेंगे कि जनहित के तौर पे हम उनके सारे जितनी भी समस्याएं हैं उनका प्राथमिकता के तौर पे निदान करें और कानून के दायरे में रहते हुए और निष्पक्ष रूप से उन पे कार्रवाई हो। क्या हर एसपी की तरह गंगाराम पुनिया जो एसपी करनाल है वो भी हर समय फोन लेंगे जनता का, क्योंकि जरूरत के समय कभी कॉल की जाती है? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और जनता की समस्याओं के निदान के लिए ही जिला पुलिस कार्य कर रही है। तो हम वो जितने भी जो जनता की भलाई के लिए कार्य किए जाने चाहिए थे वो जिला पुलिस जरूर करेगी। सर, समय क्या रहेगा इसका, प्रत्येक दिन के लिए क्या समय रहेगा? देखिए, पुलिस की आवश्यकता होती है वो आकस्मिक जरूरतों के समय भी पड़ती है, तो इमरजेंसी के समय भी जनता किसी भी समय कॉल कर सकती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी कॉल पे प्रॉपर रेस्पॉन्स हो, पुलिस मौके पे पहुंचे और उचित कार्रवाई भी। सर, आप पदभार संभाल रहे हैं, आप हिसार भी रहे हैं, वहाँ भी नशे का कारोबार काफी ज्यादा होता था, करनाल भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो उस पर आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? देखिए, जिला पुलिस की ये भी प्राथमिकताओं में से एक है कि नशा तस्करों पर लगाम लगाई जाए। हमारे पास में जो भी रिलायबल सोर्सेज से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम उस पर एक्शन लेते हुए उन पर कार्रवाई करें, प्रभावी जांच करें और ये सुनिश्चित करें कि अल्टीमेटली कोर्ट में वो कन्विक्शन हो। सर, आपने पदभार संभाला, सबसे पहला काम आप करना है क्या करें, क्या रहेगा? देखिए, अभी हमने जितने भी हमारे यहाँ पर उप पुलिस अधीक्षक हैं उनके साथ में हमने मीटिंग रखी है, उनसे जितने भी ज़िले की जो आधारभूत जानकारी है वो हम इकट्ठा करेंगे, साथ में क्राइम की जो भी अभी क्या स्थिति है उसके बारे में और क्या क्या जो इश्यूज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद में सभी जिला जो थाना प्रबंधक हैं उनके साथ में हम डिस्कशन करेंगे और जिला पुलिस की बेहतरी के लिए जो भी हमें कार्य करने चाहिए थे हम जरूर करेंगे। सर, आखिरी सवाल है, जनता और पुलिस के बीच में जो संबंध होते हैं आप जानते हैं कैसे रहते हैं, करनाल की जनता से कोई मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, मैं करनाल वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जिला पुलिस उनके लिए हमेशा तत्पर है। जिला पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी जितनी भी शिकायतें हैं उन पे निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो, प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो और त्वरित कार्रवाई हो। धन्यवाद सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।